ओम नमः शिवाय हिंदू धर्म में पूजा के लिए प्रयोग होने वाला बेलपत्र सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही आज हम एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, चाहे आप स्कंद पुराण उठा के देख लो, चाहे लिंग पुराण, चाहे नर्मदा पुराण या फिर शिव पुराण, इन सभी पुराणों में एक जैसी बातें लिखी हैं। इन सभी पुराणों में बताया गया है कि बेलपत्र के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं और बेलपत्र की डंडियों में जहाँ पर ये 3 डंडियाँ जुड़ी हुई हैं उस स्थान पर तीनों देवियाँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती स्वयं विराजमान हैं। और जब बेलपत्र के पेड़ से जिस डाली से बेलपत्र तोड़ते हैं उस डाली में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यहाँ तक कि पुराणों में वर्णन किया गया है कि बेलपत्र कोई साधारण पेड़ नहीं है। शिवपुराण में लिखा है 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खा ले रोजाना केवल 11 वर्ष तक, तो उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो जो भी बात कहेगा वो सत्य हो जाएगा, ऐसा वर्णन शिव पुराण में वर्णित है। यहाँ तक बताया गया है कि अच्छे से अच्छा सन्यासी, साधक, उपासक भी उस व्यक्ति के आगे जिसने लगातार 11 वर्ष तक बेलपत्र खाया है उसके आगे हर सन्यासी फेल हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की वाणी कभी निष्फल नहीं हो सकती, जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाता है। सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र बस 11 वर्ष तक खाना है। 11 वर्ष में कोई दिन छूटना नहीं चाहिए, बस एक ही समय होना चाहिए। यदि आप पहले दिन सुबह 7 बजे खाते हैं तो जब तक 11 वर्ष पूरा ना हो जाए प्रतिदिन 7 बजे ही बेलपत्र खाना है, ऐसा भी वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं जिस व्यक्ति के हाथ पाँव दुख रहे हों, कमर दर्द है, शरीर में कफ है, वात विकार है, दस्त है, बदहजमी है, मूत्र रोग है, पेट में सूजन है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे चढ़ा एक बेलपत्र उठाकर शिवलिंग को देखते हुए अगर खा लिया जाए तो हर एक बीमारी से एक ही हफ्ते में लाभ नजर आएगा। कैसी भी बीमारी हो वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। शास्त्र कहता है जो भी व्यक्ति शिवलिंग के सामने बैठकर शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा कर बेलपत्र को खाता है तो जो शिवलिंग के प्रतिबिंब से, शिव के उस रूप से जो किरणें निकलती हैं उसी किरण से वो रोग समाप्त हो जाता है। क्योंकि चाहे आप हो या हम, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है, तो क्यों ना हम उस बीमारी को महादेव के स्वरूप से ही जो किरणें निकलती हैं उन्हीं का दर्शन करके सभी बीमारियों से छुटकारा पा जाएं। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि महादेव यानी शंकर के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। जब हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो केवल शिव को ही नहीं बल्कि शिव के साथ साथ 33 करोड़ देवता को भी जल चढ़ा देते हैं। इसलिए आप शिव मंदिर में तो जल आदि चढ़ाने जाते ही हैं तो भगवान महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा एक बेलपत्र उठाकर शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा कर उस बेलपत्र को जरूर खा लें। और साथ ही यदि आपका बच्चा भी आपके साथ है तो आप अपने बच्चों को भी शिवलिंग को देखते हुए बेलपत्र खिलाएं, जिससे आपके बच्चे की बुद्धि तो तेज होगी ही, साथ ही आपका बच्चा रोग मुक्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे महादेव व्यक्ति के रोग को ही समाप्त नहीं करते बल्कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी बचा लेते हैं। और शिवपुराण में वर्णित भी है अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव।